at the Masters in Human Resource Management program and celebrating the Women Entrepreneurship Week at Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. Welcome to the City of Lakes, Udaipur. Yay! That we are celebrating the Women Entrepreneurship Week today. And these functions are going to happen for the coming two more days, that is on 18th, 19th and 20th of October. We are going to celebrate the entire week with various activities planned for the students and the learners. It's a proud privilege that we have the Honorable Vice Chancellor of our university giving us the blessing in the inaugural function. And I am also thankful the chairman of the faculty, Dr. Renu Jutana, has been kind enough to be present over these functions. We have invited women entrepreneurs from all walks of life so that they can give tips, they can give their own lifestyles, what they have done, what are the success stories, what are the failures they have faced, what are the challenges they have been encountering with, so that they can be a learning and they can be a lot of inspiration to the women entrepreneurs who want to, make their own destiny in this particular field. We would also be making them groom according to various needs, as it has been promised by our Vice Chancellor that there would be an incubation center for women entrepreneurs soon in our university, and there would be a help from NABARD, which is a bank which gives a lot of support in India to the women entrepreneurs specifically. So it's a proud privilege, and I really feel overwhelmed that the kind of response we are getting from the students and the administration, it is going to go a long way. Thank you. Professor J.P. Sharma sir, Professor Soral sahab, Professor Manju ma'am, aur hamare samaksh padhare hue Aditi Shri H. A. Subramanian sahab, jo ki Vice President Projects hain HRH Group of Hotels ke. श्री विजय मानेरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट एचआर हैं लिपि डेटा सिस्टम के, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन. साथ ही मेरे शिक्षक साथीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर भानावत साहब, मेरे डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर रेणु, श्री विनोद कुमार जी और डॉक्टर आशा जी फ्रॉम अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, एंड ऑल माई स्टूडेंट्स ऑफ एम कॉम एज वेल एज एम एच आर एम. इस कार्यक्रम के बारे में ये बताना चाहूँगी कि सन 2016 में मुझे मॉन्क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी यूएसए जाने का मौका मिला. जब मैं वहाँ गई तो फेलिसियानो सेंटर ऑफ बिजनेस ने हमारे साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें 185 यूनिवर्सिटीज 185 यूनिवर्सिटीज इन 125 कंट्रीज इंक्लूडिंग 40 स्टेट्स ऑफ यूएस एक साथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप वीक का सेलिब्रेशन करते हैं. लेकिन ये एक सौगात है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर एक साथ हम इस स्पिरिट को यानी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को अगर हम कर पाए एक साथ मिल करके, तो ये एक उनकी इस पहल के बारे में उन्होंने मुझे बताया और हमने उसमें एक एमओयू साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत. तो पिछले साल भी हमने अक्टूबर में इसको किया, लेकिन हमें लगा कि इसको हम थोड़ा और ग्रैंड स्केल पे कर सकते हैं. तो इस बार हमने इस प्रकार से एक फॉर्मल प्रोग्राम की, औपचारिक प्रोग्राम की रूपरेखा गढ़ी, और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अतिथिगण और सबसे ज्यादा मुझे सीधा आशीर्वाद प्राप्त हुआ जेपी शर्मा साहब का, जटाना मैम का. तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी इन 125 कंट्रीज में ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है. हम ईस्ट से पहली कंट्री है तो हमारा प्रोग्राम सबसे पहले शुरू हो रहा है, इसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ेगा आगे की ओर, क्योंकि सेम डेट है और वो यूएस में जाते जाते आज की शाम हो जाएगी. हम कोशिश ये करेंगे कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जितने भी उत्तरोत्तर प्रगति हो उसके अंदर हम लोगों का हाथ रहे. प्रोफेसर जेपी शर्मा सर से आग्रह है कि वह हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें. सीएचएस सुब्रमण्यम जी, प्रोफेसर जी सोरल साहब, राजेश्वरी मैडम, मैडम मंजू बागमार, प्रोफेसर बी एल वर्मा जी, हमारे वाणिज्य संकाय के सभी फैकल्टी मेंबर्स,
और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ मैडम राजेश्वरी मैडम को कि इन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। मैं ऐसे ही एक इनफॉर्मल बातचीत में इनसे कर रहा था कि वुमेन आर बोर्न एंटरप्रेन्योर्स। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि बाई इंस्टिंक्ट दे आर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसमें दो चीजें बड़ी विशेष रूप से होती है। सबसे पहली बात तो है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, और दूसरा गुण जो है वो होता है कि जिसमें व्यक्ति निर्णय लेता है। अगर हम इन दोनों बातों को देखें तो बाय वर्च्यू ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट इसमें महिलाएं स्वतः ही निर्णय लेती है, और जोखिम तो महिलाओं जितनी कोई उठाता ही नहीं। अब मैं दूसरी बात, जो हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो देर आर टू अप्रोचेस, एक है हेडोनिस्टिक अप्रोच, दूसरी है यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच। हेडोनिस्टिक होता है इंडिविजुअलिस्टिक, यानी खुद को आदमी स्वयं के प्लेजर के लिए काम करे। तो वेस्टर्न सोसाइटी है वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस इज दे वर्क फॉर देयर ओन राइट। वहां पर आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे ही 16 इयर्स का हुआ ही इज लेफ्ट टू हिज ओन, भी तुम जो पढ़ना है करना है, जो भी करना है यू डू एट योर ओन। वाइफ अपना काम करती है, हस्बैंड अपना काम करते हैं। एक तो है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक का मतलब होता है जो केवल स्वयं के बारे में सोचता है, खुद के बारे में। ये है वेस्टर्न कल्चर का भाग एक। दूसरा यूनिवर्सलिस्टिक, सार्वभौमिक, सबको साथ लेकर के चले। तो भारतीय जो संस्कृति है वो है यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच की। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा कब होती है सफल? जब हमारी घर की वो महिला है जो दूरी होती है परिवार की, वो सबको साथ लेकर के चलती है। आज भी जो हमारे घर में माँ या दादी या चाची या जो भी खाना बनाती है वो केवल अपने लिए थोड़ी बनाती है, परिवार के जितने भी 10-15 लोग सदस्य होते हैं सबके लिए बनता है। किताब पढ़ने वाला व्यक्ति कभी एंटरप्रेन्योर बड़ा नहीं बन सकता। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में वही एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हुआ है जिसने किताबें कम पढ़ी। वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है या बना है जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें सृजनशीलता। एंड बाई चांस वी आर ऑल ब्लेस्ड विद दी क्रिएटिविटी। हमको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है? एंटरप्रेन्योर व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ होता है। एंटरप्रेन्योर कितने लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, कितने लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, उसके लिंकेज इफेक्ट्स कितने होते हैं। एक व्यक्ति छोटा सा काम करता है लेकिन उसके द्वारा काम किया जाने वाले काम के द्वारा लोग, कितने लोग लिंक रहते हैं, और सब व्यक्तियों को वो रोजगार मिलता है। सवाल थियोरेटिकली हमने एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट, और बहुत सारे मैंने नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में बहुत सारे भाषण दिए हैं, और हमने पढ़ा है पुल्स एंड प्रेस, पुल्स एंड पुश फैक्टर्स, पुल एंड पुश फैक्टर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ईश्वरीय कार्य है, सृजनशीलता ईश्वरीय गुण है, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड विद दैट। एंड दी वुमन इस मामले में दे आर अहेड ऑफ मैन, देयर काउंटर पार्ट्स। इस बात को आप स्वीकार करें। सबसे पहले तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए क्या करना चाहिए? आपके पास जो भी काम कर रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उदयपुर से बड़ा कोई पोटेंशियल एरिया नहीं, एक सिटी नहीं है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एवरी वन कैन परस्यू दिस। एवरी थर्ड हाउस इज ए होटल और गेस्ट हाउस, देयर इज नो लिमिट। बस बात यह है कि यू हैव टू थिंक न्यू एवेन्यूज, न्यू अल्टरनेटिव्स, and you can be good entrepreneurs. A lot can be said, but to start with set small targets. आप लोगों का ये दो दिन का workshop, it will transform your life from student to entrepreneurs. First you learn. Then you earn. And you will succeed in your life. With these words, I am thankful to Madam Rajeshwari for calling me here and allowed me to have, you know, interaction with your group. Thank you very much. My name is
का कोर्स किया, तो मैंने MBA किया मेरा बैंगलोर से IIM से, और मुझे मैं बहुत लकी थी कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले वहाँ पर कि मैं आज तक उनसे टच में हूँ। हाँ, ये मेरी मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक्चुअली मैं अलग से कोई लर्निंग नहीं देने वाली हूँ, जो मेरी स्टोरी है या मेरी जो जर्नी है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, थर्ड सेम वालों का थोड़ा टाइम ठीक है। तो मैं हमेशा मेरे टीचर्स से कनेक्टेड रही, मतलब मेरे कुछ टीचर्स जो मुझे क्लास फिफ्थ में एट्थ में नाइन्थ में पढ़ाते थे उनसे मैं आज तक कनेक्टेड हूँ। राजेश्वरी मैम से मैं 2016 में मिली और उनसे भी अब तक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और लाइफ लॉन्ग रहने वाली हूँ। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, आप कोई एक टीचर अपना जो आपको फेवरेट लगता है उससे आप कनेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ मुझे ऐसे टीचर्स मिले मेरे MBA के दौरान जिनसे मैं अब तक कनेक्टेड हूँ और मुझे अब तक भी गाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ कर सकते हो क्या। मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं सब कुछ अकेले कर पाऊंगी क्या, तो मुझे गाइडेंस चाहिए और मैं अब तक भी लेती हूँ मेरे टीचर्स से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे मेंटर। ग्रेजुएशन में मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी थी वो ये है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कीजिए जो कि बहुत गुड माइंड वाले हैं, मतलब जिनका दिल अच्छा है, जो अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में। तो मैं लगी थी कि मुझे 5 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वैसे माइंड वाले थे। तो एक्चुअली इस गुड माइंड में दो तरीके के माइंड्स होते हैं, तो पहला हो गया अपना पर्सनल फैक्टर जिसमें आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं या फिर आपका कोई मेंटोर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड होता है ग्रेट माइंड्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब बुक्स पढ़िए, हाँ, दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। अगर आप वो हैबिट डालेंगे तो जो उतने बड़े बड़े माइंड्स के लोग हैं उनसे कुछ चीज़ें आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं करती रही। अच्छा, MBA हो गया, आई वाज डूइंग गुड इन MBA आल्सो। अब मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं जॉब ले लूँ या मैं बिजनेस में चली। तो अब आप मुझे बताओ, अगर एंटरप्रेन्योर लाइफ है, इसमें मैंने कुछ बातें सीखी हैं और कुछ ऐसी थी जो मुझ में ऑलरेडी थी चीज़ें, कुछ ऐसी हैं जो मैंने ठोकर खा के सीखी हैं। तो मुझे लगता है आज अब मेरी सक्सेस से ज़्यादा मेरी मिस्टेक से सीखो, है ना, क्योंकि ग्रेट अल्टीमेट हम बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। लोग अब तक बोलते हैं कि उस पूरे एरिया में हमारी मोनोपोली थी और हमको पढ़ा के बहुत मज़ा आ रहा था और हम लोग एक्सपेंशन की मूड में थे। अब मैं अगेन आपसे एक सवाल पूछूंगी, इंस्टीट्यूट हमारा रन हो रहा है इट्स अराउंड 3.5 ईयर्स, और रात को मुझे आइडिया आता है अबाउट दिस वेजिटेबल वेंचर। नंबर्स में अगर मैं बात कर रही थी आपसे, तो विद इन अ ईयर हम अराउंड 1.8 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गए इन दैट वेजिटेबल वेंचर। तो इट्स द बिजनेस विच हैज पेड, नॉट यू, खुद पे नहीं है। क्या करना है, गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू। मैं हमेशा ये किया और आगे भी कभी कुछ होगा तो ऐसा ही करूँगा, ठीक है। दिस वॉज फ्रॉम मी,